हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णु निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलम का लैप जोन कैसे डिसाइड करते हैं, इसी के बारे में, ये कॉलम इसके बार कैसे लगते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारी ट्रेनिंग है ये हमारा प्रयागराज का बैच है, और आप भी अगर ऐसी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9111001234 नंबर पे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसका लैब जोन और ये सरिया का सिस्टम कैसे होता है इस कॉलम में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखो यार, इसमें आपको जब भी कॉलम का सरिया का काम कभी भी कराना होता है, अभी आपने BBS पढ़ा नहीं, जब पढ़ोगे तो आपको अभी ये समझ में आएगा कैसे इसकी सरिया का सिस्टम रहता है। बाकी इसको एक बार आप देख लो, अभी साइड में ये दिख रहा है, सही तरीके से समझ में भी आ जाएगा। लैब का मतलब क्या होता है कि एक साथ मान लो अगर सरिया आपने लगा दी यहाँ से, एक ही जगह ये ज्वाइंट हो गए, तो अब दूसरी सरिया इनसे आगे जोड़ोगे तो जब ज़्यादा लोड आएगा तो ये कॉलम ऐसे बकल हो सकता है, यहाँ पे इधर उधर टिल्ट हो सकता है, आपका क्रैक भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे, देखो ये रॉड बड़ी है तो ये छोटी है, ये छोटी है तो ये बड़ी है, ये बड़ी है छोटी है, इधर भी छोटी बड़ी है, तो ये आप देखोगे ये सरिया कि मतलब क्या है, अल्टरनेट लैप है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट लैप की, ये छोटी बड़ी, तो जब इसमें फंसाते हैं तो भाई इसका लोड अलग है, इसका अलग है, तो चाहे जितना ऊपर से लोड आएगा तब आपका बकल ही नहीं होगा कॉलम। दूसरी बात आपको क्या इसमें समझना पड़ता है कि जैसे आप इसमें आते हैं, देखो नीचे में पहले जब कॉलम बनाया जाता है सबसे पहले नीचे स्टार्टर बनाया जाता है यहाँ पे, जिससे हमको कॉलम का अलाइनमेंट पता चलता है कि कॉलम ऊपर तक फॉर्मवर्क के साथ कहाँ तक ऐसे जाएगा। देखो दोस्तों, अगर फिर से हम अगर देखेंगे तो ये जो हमारा होता है जैसे बीम में रहते हैं, ऐसे आपकी रिंग बीम में भी रहती हैं, तो बीम के लिए आपका क्या रहता है, स्टिरप्स बोलते हैं, लेकिन कॉलम में जो ये रिंग जाती हैं इनको बोलते हैं टाइज या लेटरल टाइज बोलते हैं। इसका काम क्या करता है कि ये सरिया को पूरा एक तरीके से बांध के रखता है। अब जैसे यहाँ पे तो ये एक ठो बंधा है, आप इसमें देख रहे होंगे, लेकिन इसको बांधने के लिए हमको इसको अल्टरनेट देना पड़ता है, एक बार इधर इसका मुंह रहेगा तो एक बार इधर ऐसे मुंह रहेगा, फिर इधर इधर, तो आप इसको ऐसे ही रिंग बांधोगे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे ये पूरी रिंग बनाई गई है, इसमें डबल रिंग बनाई गई है। जैसे आप इसका BBS अभी जाके देखोगे, देखो एक रिंग से ये तीन सरिया कनेक्टेड है, एक रिंग से ये तीन सरिया कनेक्टेड है, और जब भी आप सब करा रहे हो ये हुक जो होता है, इसको हुक बोलते हैं, तो ये आपका 10D के आसपास होता है, कहीं कहीं 12D होता है, तो इसको आप ट्राई करो अल्टरनेट रखो, एक बार इधर तो एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, इससे क्या होता है कि कॉलम कभी खुलता नहीं है। फिर जब आप इसकी सरिया के बारे में बात करें तो जो आपकी ड्राइंग के हिसाब से सरिया दी रहती उसको भी आपको देखना है, कौन सा ग्रेड है, कौन सा सिस्टम है, इसमें कितना डायमीटर का बार है, तो वो सारी चीज़ों को भी हमको सही तरीके से चेक करना होता है। देखो ये यहाँ पे देखो आपका ये FE 500 दे रहा है, यहाँ पे ये लिखा है, अब FE 500 मैं आपको क्लास में भी एक दिन बताया था, यहाँ पे ये लिखा है FE 500 यहाँ पे, तो एक दिन मैं आपको क्लास में भी बताया था। देखो ये जो सरिया होती है इसको ऐसे समझ लो कि अगर ये लिखा भी ना हो तो आप कैसे जान जाए, ये होती है लक्स, ये होती हैं रिब्स, ये लक्स होती हैं, ये रिब्स होती हैं, जिसमें लक्स और ये लाइन जो ऐसी रहती हैं ये दोनों होती हैं, तो ये कॉलम जो हमारे होते हैं इन ये जो सरिया होती है FE 500 में आती है, लेकिन सिर्फ रिब्स ही रिब्स रहेगी तो FE 415 ग्रेड में आ जाएगी। तो इस टाइप से ये पूरा हमारा कॉलम रहता है। अब देखो यहाँ पे दूसरी सरिया, पहले यहाँ पे रिंग भरी जाएंगी, फिर उनको टाइट करते हुए लाएंगे, और फिर जो है इसमें क्या करेंगे, फिर से सरिया बांधेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। तो ये चीज़ अभी आप सीखोगे थोड़ा सा, ये बेसिक आप एक बार समझ लिए तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी रहेगा कैसे रहती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में। बाकी आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए हमारी हर जगह ब्रांच है, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, ये हमारी विशेषकर ये हमारी प्रयागराज की ब्रांच है जहाँ से हम लोग अभी ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप कहीं भी आके ट्रेनिंग कर सकते हैं, और आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111001234 नंबर पे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।